तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आज हम आपके लिए खोल रहे हैं न्यू यूट्यूब वीडियो, जिसमें आपको बताएंगे कि आप एंड्रॉयड 11 में ओबीबी और डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, जब एंड्रॉयड 10 के बाद एंड्रॉयड 11 आया था, तो उन्होंने कुछ इस पर पाबंदी लगा दी थी, जैसे कि आप इसमें ना तो ओबीबी और ना ही आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख पा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर कॉपी करने के लिए जाता हूँ, तो ना ही मेरे को कोई ओबीबी और ना ही डाटा का फोल्डर मिलता है। और मैं अगर मान लो थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर का यूज करता हूँ, तो भी मेरे को ये सेम प्रॉब्लम आती है। तो आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि आप किस प्रकार से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और यहाँ तक कि रीड और राइट भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फालतू की थर्ड पार्टी रूट से या बूट लोडर से नहीं करना है। यह सिंपली एक छोटा सा 2-3 स्टेप हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, और जिसके बाद आप अपने फ़ोन के एंड्रॉयड और ओबीबी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे बड़े बड़े गेम और फोल्ड ऐप के आ चुके हैं, जिनमें हम उनको डाउनलोड करने के बजाय उनको या तो किसी से शेयर से लेते हैं, या फिर उनको हम अपने फाइल में कॉपी करके रख देते हैं, ताकि हमें उनको बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको सिंपली उनको वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस प्रकार से इनको कॉपी पेस्ट और रीराइट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि एंड्रॉयड 11 में आप ना तो ओबीबी को और ना ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको अपने फ़ोन का जो प्ले स्टोर होता है, उसको आप सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको उस पर वहाँ पर जाके सर्च बार में आपको टाइप करना है एक्सप्लोर, और जो पहला ऑप्शन आता है उसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। ये 6 MB का ऐप है, कुछ ज़्यादा MB का ऐप नहीं है, जिसमें आपका फ़ोन का स्टोरेज चला जाएगा। ये दोस्तों, अगर आपको अपना फ़ोन का डाटा और ओबीबी को शेयर भी करना है, तो आप इस ऐप से आराम से कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप इसमें ओबीबी और डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे ये इंस्टॉल होता है, आपको इसे ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद आपको इस पर परमिशन मांगने पर आपको एलो कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, एलो करने के बाद आपको अपने फ़ोन में जो एक्सप्लोर एपीके हैं, उसमें जो सबसे ऊपर ऑप्शन आता है इंटरनल शेयर का, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और वहाँ पर उसमें जो एंड्रॉयड फोल्डर है उस पर एक बार क्लिक करना है, और उसमें आपको देखना है कि डाटा और ओबीबी का जो फोल्डर ऑलरेडी है या नहीं। अगर ऑलरेडी है तो आप उस पर टैप कर देना है, और टैप करते ही वहाँ पर आपको स्पेशल एक्सेस की परमिशन आ जाएगी। स्पेशल एक्सेस पर क्लिक करते ही आपका फ़ोन में जो मेन फाइल मैनेजर आती है वो खुल जाएगी। वहाँ पर आपको अपना फ़ोन का स्टोरेज सेलेक्ट कर देना है, और एंड्रॉयड फोल्डर पर क्लिक करके उसे एलो दे देना है। और एलो देने के बाद, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, कि आप इसमें एंड्रॉयड के ओबीबी और डाटा का दोनों का आराम से एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में कोई भी रूट की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपने फ़ोन में किसी भी बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत है। ये एक छोटा सा ऐप है, जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे, और ये बहुत सारे फीचरों से भरा हुआ ऐप है। ये नॉर्मली देखे तो मेरे को बहुत पसंद आया हुआ है, और इसका UI भी कुछ डिफरेंट है और कुछ अच्छा है। इसमें आपको कॉपी करने के लिए आपको कोई भी फाइल पर क्लिक करके दबा के रखना उसे, और वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, वहाँ पर आपको कॉपी सेलेक्ट नहीं करना है, वहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है। और जहाँ आपको कॉपी करना है, जैसे कि मान लो आपको ओबीबी या डाटा में कॉपी करना है, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और वहाँ पर साइड में जो नीचे ऑप्शन मूव का आ रहा है, वहाँ पर आपको मूव कर देना है। मूव करने के बाद जैसे ही आप देखोगे, आपकी फाइल वहाँ पर कॉपी हो जाएगी, और उसे आप आराम से रीड और राइट कर सकते हैं।
अगर आपको उस फाइल को एक्सेस भी दे सकते हैं और वहाँ से आप अपने एपीके को रन भी करा सकते हैं। और अब मान लो कि आपको अपने फ़ोन में कोई भी ऐप आप डिलीट मार रहे हैं, तो आप कृपया ध्यान रखें कि आपने जो सेलेक्ट किया है उससे भूले नहीं। उसको भूल गए और आपने कोई और फाइल पर आपने ध्यान दे दिया, जैसे कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसे राइट तो कर दिया, पर मैं मान लो मैं उसमें जाके अपने जो पुराने वाली फाइल को एक्सेस करूँगा और मैं उसे डिलीट या कुछ भी करने की कोशिश करूँगा, तो मान लो मैं जैसे डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो वो डॉक्यूमेंट डिलीट होते हैं, ना कि वो फाइल डिलीट होगी। तो ध्यान रखें, इसमें आपका डाटा चला जा सकता है और इसमें आपको अपनी गलती का एहसास भी बाद में पता चला जाएगा। तो आप, मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये साइड में जो रेड कलर का डिलीट है उससे आप डिलीट भी कर सकते हैं और आप कोई भी थर्ड पार्टी शेयरिंग ऐप से शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर है, जापिया है, या फिर कोई भी एक शेयर है, शेयरिट है, आप उससे आराम से शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर मान लो आपका फ़ोन रूट है तो आप यहाँ से रूट की फाइलों को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का शेयर ज़रूर कीजिए।